अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके पीलीभीत सांसद वरुण गांधी की जल्द ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बीजेपी वरुण गांधी के खिलाफ अब एक्शन मोड पर आती नजर आ रही है। कुछ इसी ओर इशारा किया केंद्र मंत्री अर्जुन राम मेघवा ने। बता दे कि बीते रोज अपने बयान में अर्जुन राम मेघवा ने वरुण गांधी पर कार्रवाई की बात करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर अनुशासन समिति वरुण गांधी पर कार्रवाई करेगी। पार्टी और अनुशासन समिति को सब कुछ पता है। दरअसल पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी वक्त वक्त पर अपनी ही सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते रहते हैं, चाहे लखीमपुर हिंसा हो, UPTI पेपर लीक का मामला हो, या फिर शिक्षा भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठी चार्ज पर सरकार से सवाल पूछना हो। हर मुद्दे पर वरुण गांधी अपनी ही सरकार को घेरने से बाज नहीं आते। यहाँ के वरुण गांधी ने यूपी चुनाव के अहम मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी का मसला भी उठाते हुए अपनी ही सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं बीते गुरुवार को भी वरुण गांधी ने रोजगार सेवाओं को लेकर भी सीएम योगी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, आपने संविदा कर्मचारियों को उनकी मांग को लेकर आश्वासन दिया था, ढाई महीने बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के 2 दिवसीय दौरे पर आया हूँ। 19 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर विभिन्न विभागों में तैनात संविदा कर्मचारियों के एक कार्यक्रम में गया था। वहां मुझे बताया गया कि 4 अक्टूबर को लखनऊ में संविदा कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में एक सम्मेलन हुआ था। इसमें आपने मनरेगा संविदा कर्मचारियों की मांग को मानने का आश्वासन दिया था। संविदा कर्मचारियों और उनके परिवार के हित को ध्यान रखते हुए मामले पर जल्द शासनादेश लागू करने का कष्ट करें। वरुण गांधी ने इससे पहले भी गन्ना मूल्य बढ़ोतरी और धान खरीदी की नीति में सुधार करने को लेकर बकायदा सीएम योगी को खत लिखा था। लिहाजा वरुण गांधी के इस रवैये को देखते हुए लगता है कि बीजेपी उन पर और साथ ही सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी पर एक्शन लेने का मन बना लिया है। तभी तो पिछले दिनों जेपी नड्डा की राष्ट्रपति अधिकारियों की नई टीम में सांसद मेनका गांधी और वरुण गांधी को शामिल नहीं किया गया। खास बात यह है कि पदाधिकारियों की इस नई टीम में 80 सदस्यों को जगह मिली है। यूपी के कई नेताओं को भी जगह दी गई है।